सहमति असहमति का विवाद इतना बढ़ गया कि एक सिनेमा दिखाने पे हम लोगों को एंटी नेशनल ब्रांड किया जाना शुरू कर दिया गया। और यह बात हुई क्यों? यह बात इसलिए हुई कि आइडेंटिटी को आपस में लड़ाकर दंगे कराए जाते थे, आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके चुनाव जीता जाता था, और आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके समाज के जो वाजिब मसले हैं उससे लोगों को भटकाया जाता था। और यह बात जब हमारी पीढ़ी समझ गई तो हमने कहा कि एक बड़ी लाइन खींचेंगे, शोषितों का पक्ष एक तरफ होगा और शोषकों का पक्ष एक तरफ होगा, उसका रंग कोई भी हो हम भी अपनी रंग का परवाह नहीं करेंगे, सारे रंगों को यूनाइट करेंगे और आपके शोषण को खत्म करेंगे। और ये जो लड़ाई हमारी शुरू हुई हैदराबाद से चलकर जेएनयू से और जेएनयू से जादवपुर फर्गुसन रनाडे, और यही वो लड़ाई और यही वो संघर्ष है जिससे लोगों को घबराहट होनी शुरू हो गई है। आज मुझे एक नोटिस थमाया गया कि आप कोई प्रोवोकेटिव स्पीच मत कीजिएगा, हम कर नहीं सकते। प्रोवोकेटिव स्पीच करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतना यह हमारा धंधा नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं और समाज के पैसे से रिसर्च करते हैं और समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। और आज समाज की सच्चाई यह है कि अगर शोषित लोग एक मंच पे नहीं आए तो शोषकों का हौसला इतना बढ़ गया है कि जिस संविधान की हम कसमें खाते हैं उसी संविधान की कसमें खाकर ये संसद में बैठे हैं, और जिस संविधान को इन्होंने पहले जलाया था आज भी उस संविधान को ये जलाएंगे। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि हम संविधान को बचाएंगे, मनुस्मृति को जलाएंगे, और मनुवाद के आधार पर कोई भी शासन इस देश के अंदर नहीं चलेगा। आज हमारे सामने ये लड़ाई है, वो लड़ाई ये है कि सबको शिक्षा कैसे मिलेगी, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी जुमलेबाजी है, हमारे पास उसकी योजना है। जब इस देश के अंदर तमाम तरीके के फालतू योजनाओं पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं तो जनता के पक्ष में कुछ सही योजनाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती? बार बार मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला का बेटा हूं। अच्छी बात है मोदी जी, आप चाय वाला का बेटा है, मैं किसान का बेटा हूं। आते हैं मिलकर के एक नीति बनाते हैं कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं गरीबी रेखा भी आप ही तय कर दीजिए, आप कोई भी रेखा तय कीजिएगा, इस देश की करोड़ों जनता उस रेखा के नीचे ही आपको मिलेगी क्योंकि यही इस देश की सच्चाई है। आप रेखा तय कीजिए और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को केजी से लेकर के पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कीजिए, ये हमारा एजेंडा है। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार का नाम लेकर के ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। क्या हालत है रोजगार की? पिछले साल 1,34,000 रोजगार पैदा किए गए। कहां जा रहा है ये जो स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पे जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? आप में से बहुत सारे लोग मीडिया में भी काम करते होंगे या प्रबुद्ध लोग होंगे, आप जानते हैं कि एक छोटा सा एड अखबार में देने में हजारों रुपया लगता है तो पूरे पन्ने का मोदी जी का थोबरा देने में कितना पैसा खर्च होता होगा? पूरे पन्ने में टीवी पे एक एक मिनट मन की बात करने में कितना पैसा खर्च होता होगा? और मन की बात कीजिए, हम मन की बात से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मन की बात कीजिए, थोड़ी हमारी भी सुनिए और उस मन की बात में मराठवाड़ा की भी बात कीजिए, दिल्ली के अंदर जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनकी भी बात कीजिए और बंबई के अंदर जो धारावी में रहते हैं उनकी भी बात कीजिए। इस देश के अंदर जो लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं, मात्र 3% लोगों को उच्च शिक्षा तक आने का मौका मिलता है। हमारे साथ जो हमारा सबसे अच्छा साथी था वो स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बमुश्किल किसी तरह से मैं पीएचडी कर पा रहा हूं और वो मेरा साथी आज भी साइकिल का पंचर लगाता है। ये हमारी समाज की सच्चाई है। और वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट था, ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल पाई। तो ये कहते हैं कि शिक्षा लेना लोगों का अपना काम है, सरकार का काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो वोट देना हमारा काम, सरकार बनाना आपका काम, मांगना हमारा काम और मांग को भुला देना आपका काम, ये नहीं चलेगा। अगर वोट देंगे तो आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप सरकार बनाएंगे तो आपको रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी,
अगर आप नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए हम बोलेंगे, आप थप्पड़ मरवाइए, आप जूता चलवाइए, आप प्लेन में पीटिए, ट्रेन में पीटिए, कोर्ट में पीटिए, हॉल में पीटिए, हम बोलेंगे और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। आपको घबराहट क्यों होती है? आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी मंत्री जी के बाबूजी के खाते से मैं कुछ नहीं मांग रहा, किसी भी नेता जी का जो बाप दादा का जागीर है उससे कुछ नहीं मांग रहा। इस मुल्क की जनता जो टैक्स भरती है, उस टैक्स में जो हम तमाम लोग जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं उनका भी हिस्सा है, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करो। इसमें हम गलत क्या बोल रहे हैं? लेकिन आपको सबके अंदर लैंड बराबर बंटना चाहिए, ये अंबेडकर पसंद नहीं है। आपको वो अंबेडकर पसंद नहीं है जो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, जो लेबर राइट्स की बात करते हैं, जो कहते हैं कि किसी समाज का अगर मूल्यांकन करना हो तो वहां के महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये अंबेडकर आपको पसंद नहीं है, ये अंबेडकर आपको पसंद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके जो माउथ पीस हैं वो कौन लोग हैं? एक बाबा जी हैं, सुबह उठ करके कहते हैं छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। बाबा जी, बाबा जी हमको योग से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या छोड़ें क्या लें? आप तो बहुत कुछ बेच रहे हैं और वो जो बेच रहे हैं वो बहुत महंगा है, हमको खाने को नहीं मिल रहा है, क्या छोड़ें क्या लें, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों को भारत माता की जय बोलना होगा। बिल्कुल बोलेंगे। जब अंबेडकर साहब ने कहा है कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए तो हम करेंगे और हम करते आए हैं। लेकिन इसकी ठेकेदारी आपको दी किसने? आप जो कोर से महिला विरोधी हैं, कोर से, दिल से, हृदय से, अगर इनसे सपने में भी पूछा जाए तो इन महिलाओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते। जब हिंदू कोर्ट बिल पेश किया गया था, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, फैक्ट बोल रहे हैं, तो ये वही लोग थे जो हिंदू कोर्ट बिल के अंदर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से मना किया था। ये वही लोग हैं आजकल अपनी सारी एनर्जी हमको मारने पीटने पे खर्च कर रहे हैं। इससे पहले इनका एक और धंधा था, ये पार्कों में जाते थे और कहते थे राखी बांधो, तुम अपनी बहन से बंधवा लो, घर में क्या दिक्कत है? कौन किससे प्रेम करेगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जिसको आपने कभी नहीं माना। तो आपको घबराहट क्यों होती है जब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं? इनको घबराहट इसलिए होती है कि इनका पोल खुल जाएगा। इनका पोल क्या है? इनका पोल यह है कि जब भारत माता का इतिहास आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने भारत माता का स्वरूप बदल दिया है। जो पहली भारत माता थी उनके हाथ में अनाज था और खेती करने वाला हथियार था, और आज की भारत माता शेर पे बैठी हुई है और उनके हाथ में तिरंगे की जगह भगवा झंडा थमा दिया गया है। ये भारत माता को बदल दिए हैं। जिस तरीके से भारत माता बदल दिया है, अगर हम लोग नहीं संभले तो एक दिन इस देश का झंडा बदल देंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको राष्ट्रवाद से लेना देना होता तो इस देश के अंदर किसी एक संस्कृति या एक धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। और ये बार बार इस देश के अंदर एक धर्म एक संस्कृति के नाम पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये कहते हैं भारत माता की जय, इनका अगला डेस्टिनेशन होगा जय माता दी। जब ये कहते हैं राष्ट्रवाद के सामने कोई समझौता नहीं होगा, वहां अपने मुंह के अंदर एक शब्द छुपा लेते हैं कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इनके इस साजिश को आप समझिए, इसीलिए खतरा बहुत गंभीर है। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। दो नौजवानों को बीफ बेचने के नाम पर पेड़ पे लटका दिया गया, और उसी झारखंड के अंदर सूखे से लोग मर रहे हैं लातूर में, उस जगह को छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां पे ये लोग नहीं पहुंचे उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन इनको बीफ की चिंता हो गई।
भाई साहब जो खाना चाहता है खाए, जो नहीं खाना चाहता है ना खाए, जो बोलना चाहता है बोले, जो जो पहनना चाहता है पहने। किसी को अगर चाउमीन खाने खाने का पसंद है तो उसको खाने दीजिए, आपको भी चाइना जाना बहुत पसंद है। आप जो करना चाहते हैं वो सही और हम जो करना चाहते हैं वो गलत, ये कैसे है, कैसे तय किया जाएगा? इस देश में तय करने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, उस बात को मानिए। और मैं बार बार जब भी कहीं जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि अलग से किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है। आज 24 अप्रैल है, आज लेनिन की जयंती है। लेनिन ने अपने तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन किया था। हम में से आप तमाम लोगों को इस देश की जो चिंतन परंपरा रही है, जो कबीर से शुरू होकर गुरु नानक बुद्ध तमाम तरीके के लोगों से होते हुए इस देश के अंदर बराबरी की बात करता है, सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, उस फिलॉसफी के आधार पर अगर काम करें तो आप लेनिन हो सकते हैं, आप अंबेडकर हो सकते हैं, आप फूले हो सकते हैं, आप पेड़ियार हो सकते हैं, और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है आप उसको मिटा सकते हैं। यह समाज के सामने एक चुनौती है, और हमारी पीढ़ी अगर इस बात को शिद्दत से महसूस नहीं करेगी तो इस मुल्क में बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और यह सिर्फ मेरा कोई व्यक्तिगत डर नहीं है, इसका बुनियादी कारण है। चुनाव लड़ा जाता है विकास के नाम पे, और पहले साल अपनी माता, दूसरे साल गौ माता, और तीसरे साल भारत माता, पता नहीं चौथे साल में कौन सी माता होंगी। हमें माताओं से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरी माँ है उसी तरीके से रोहित की माँ है, उसी तरीके से मोदी जी की भी माँ है। मोदी जी, कभी आप रोहित की माँ से मिल लिए होते? मोदी जी, आप कभी डेल्टा मेघवाल की मां से मिल लिए होते? मोदी जी, चलिए मैंने गलती किया, मान लेते हैं आपकी बात को, हालांकि मैंने आपके हिसाब से गलती की है, संविधान और कानून के हिसाब से कोई गलती नहीं की है। क्या आप यह समझते हैं कि इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में एक मां को क्या दर्द होता होगा जब उसके बच्चे के ऊपर पब्लिकली जूता फेंका जाता होगा? उस मां को क्या दर्द होता होगा कि जिसका बच्चा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था वो पंखे से लटक गया? उस मां को क्या दर्द होता होगा जब जिसकी बेटी पेट काटकर जिसको उसने पढ़ने के लिए भेजा था उसका बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है? क्या इस मुल्क के अंदर संवेदना खत्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर मानवता खत्म हो गई है? अगर कोई मानवता की बात कर रहा है तो आप नेशनल और एंटी नेशनल का मुद्दा छेड़ दे रहे हैं। कौन एंटी नेशनल है और कौन नेशनल है, हम सवाल पूछना चाहते हैं। मेरी राय में अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को ठीक से करता है, इससे ज्यादा नेशनल कुछ नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर किसान किसानी करता है और लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा का ज्योति जलाते हैं, उससे ज्यादा नेशनलिस्ट काम कुछ नहीं हो सकता। इस देश के अंदर जो मजदूर अपनी जान देकर खून पसीने से इस देश की इकोनॉमी का चक्का चलाते हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। और इस देश की रक्षा करते हुए जो लोग सीमाओं पर जान दे रहे हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप नेशनल और एंटी नेशनल की परिभाषा संसद में बैठ करके तय करना चाहते हैं।